चलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कैप्सिकम की सब्जी, जिसके लिए हमने लगभग 400 ग्राम आलू ली है और ये 250 ग्राम हमने कैप्सिकम लिया है। इसको हम काट लिए हैं। अब यहाँ दो प्याज हैं और लहसुन है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सब्जी मसाला, वो सब और सारे खड़े मसाले। अब हम सब्जी बनाने का प्रोसीजर चालू करेंगे। उसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें डालेंगे तेल। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, तुरंत फटाफट बनाती हूँ। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे दो लौंग, फिर उसके बाद थोड़ी सी दालचीनी। दालचीनी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, आप थोड़ा और डाल सकती हैं। फिर पचफूरन, ये पांच तरह के मसाले हैं खड़े, इसको मैंने मिलाया है। इसमें जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है और कलौंजी है, मेथी है थोड़ी सी। ये मैंने खुद घर में बनाया है, अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। वैसे मैंने जीरा, थोड़ी सी सौंफ, कलौंजी, थोड़ी पीली सरसों डाली है, ये समझ लीजिए इसमें है, और दो चार गोल मिर्च। फिर इसके बाद हम डालेंगे लहसुन। देखिए ये हमारे पक गए हैं, तेज पत्ता भी हम डाल देंगे। फिर प्याज डाल देंगे और इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। मसाले हमारे यहाँ भूज रहे हैं। अब देखिए लाल हो चुकी है, इसमें हम पीसे हुए मसाले डालेंगे। पहले हम इसमें हींग डाल देंगे। ऐसे हींग ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, जिस सब्ज़ी में लहसुन पड़ता है उसमें हींग डालना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हींग का स्वाद भी अच्छा होता है, तो अगर डालोगे तो ज़्यादा ही अच्छा स्वाद आएगा, इसलिए मैंने हींग डाला। डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और हम आलू डाल देंगे। पहले हम आलू को भून लेंगे थोड़ा सा। ये मैं बिना टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप प्याज के साथ टमाटर भून सकती हैं, डाल सकती हैं फिर से। उसके बाद हम डालेंगे अपने शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डाल दिए, उसमें डालेंगे नमक। और अगर आप लाल मिर्च पाउडर खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो हर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तो लाल मिर्च पाउडर हमारे नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। और दूसरी बात कि ये शिमला मिर्च झाल होती है पहले से ही, मतलब कड़ू होती है, तो इसलिए हमने इसमें वो नहीं डाला है, मिर्चा, हरा मिर्चा नहीं डाला है, तीखी वाली मिर्च शिमला मिर्च है। तीन चार मिनट बाद हम इसको एक बार चला लेंगे। हमने सब्जी को चला लिया है अच्छे से और उसको फिर से हम ढक देंगे जब तक कि सब्जी पक नहीं जाती। सब्जी चलाएँगे, अगर मैं अपने एक हाथ में जो है मोबाइल पकड़ती हूँ और दूसरे हाथ से खाना बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, तो इसलिए कढ़ाई में थोड़ा धुआं हुआ देख सकता है। अगर आपको सब्जी खाने में अच्छे लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी ये पक रही है, अब इसको दो चार मिनट और पकाएंगे क्योंकि अभी ठीक से पकी नहीं है। फिर आखिरी में लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर इसमें डालेंगे, लेकिन मैं तो लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी। अगर आप लोग लाल मिर्च खाते हैं तो स्वाद अनुसार उसको डालिए। लाल मिर्च पाउडर में जीरा पाउडर आखिरी में इसमें डालूंगी। देखिए सब्जी हमने चलाई है, लगभग पक गई है। हमारी सब्जी लगभग लगभग पक चुकी है, हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। आप एक बार
ट्राई सब्जी करके देखिए और खा के देखिए, फिर बताइए मुझे कैसी बनी है। थैंक यू। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।